दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है, बावजूद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी ठेला और रिक्शा पर दम तोड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तस्वीर नालंदा से सामने आई है वह काफी शर्मनाक है। नालंदा जिले के हिलसा स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ तो मृतक के परिजन ठेला पर लाद कर शव को घर ले गए। हिलसा शहर के पासवान टोली निवासी अशोक पासवान के 30 वर्षीय दिव्यांग पुत्र अमरजीत कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई तो परिजन आनंद फानन में अमरजीत को सब्जी बेचने वाले ठेला पर लाद कर किसी तरह इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद अमरजीत को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के बजाय शव को अस्पताल से ले जाने के लिए कहने लगे। अस्पताल के आसपास में शव को ले जाने के लिए परिजन को वाहन या एम्बुलेंस नहीं मिला। मजबूरी में परिजन शव को ठेला पर लेकर ही घर निकल गए। दरअसल आपको बताते चले कि अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ रोजाना दर्जनों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें दो या तीन गंभीर रहते हैं और उन्हें पटना या बिहार शरीफ रेफर करना पड़ता है और इस स्थिति में इस अस्पताल में मात्र एक एम्बुलेंस है। यह एम्बुलेंस अक्सर प्रसव के लिए महिलाओं को लाने व ले जाने में व्यस्त रहता है। इतना ही नहीं, इस हॉस्पिटल में शव वाहन एक भी नहीं है और इस तस्वीर को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से सब्जी के ठेलों पर टिकी हुई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।